अगर एमिर को हम पर शक हो गया तो वो हमारा पीछा करना बंद नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, समझी तुम? किसी से भी नहीं डरता मैं, मगर मैं डरती हूँ। यही वजह इतना सब होने का। तुम चाहती नहीं हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और ना ही तुम उन्हें छोड़ना चाहती हो। एक अमीर बिगड़े लड़की की तरह तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें प्यार करें, और ये नहीं चाहती कि लोग तुम्हें छोड़ दें। ये दोनों चीजें मिलना बहुत ही मुश्किल है। तुम अब भी यही चाहती हो ना कि मैं तुमसे प्यार करूं? मैं चाहूंगी कि तुम मुझे कभी ना भूलो। मुझे तुम्हारी ये बात पसंद है, तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखना पसंद है। मतलब है कि आज भी तुम पूरी तरह से मुझे अपने दिल से नहीं निकाल पाए हो। मैं चाहूंगी कि हमारी जिंदगी अच्छी हो। मैं दिल से चाहती हूं कि हमारी कहानी का अंत अच्छे से हो। केमान, मैं एक बुरे सपने के साथ 5 साल से सो रही हूं। मैं चाहूंगी कि तुम मुझे उस सपने से बाहर निकाल दो। कॉस्गो परिवार एक एक करके मेरे घर में आ रहा है, क्या बात है? एमिर, तुम कब आए यहाँ पर? सही वक्त पर आया हूँ। ये जो साइलेंट फिल्म चल रही है उसे देखने। अब मैं यहाँ उसका नाम सोच रहा हूँ। मारोगे या मरोगे? गलत मत समझो तुम। अपने वहम से बाहर आओ। मैंने बस अपने पड़ोसी को रास्ते पे जाते हुए देखा तो मैं यहाँ आ गई। इसने मुझे बताया कि इसे ये घर कितना पसंद है। ये घर उसका सबसे बड़ा सपना है। बस यही सब बातें हम दोनों कर रहे थे और तुम ध्यान से सुन रहे थे। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता सपनों के बारे में। एमिर, मिस्टर केमल को अकेला छोड़ देते हैं, इन्हें काफी चीजें दूर करनी है। मैं आऊंगा तुम्हें गुड लक कहने। इंतजार रहेगा। वैसे भी ये घर तुम्हारे औकात के बाहर है,
पर मैंने तुम्हारी लालच देखी है। जरा संभल कर रहना। अगर कभी तुमने इसे चाहने की कोशिश भी की तो पहले अपने पैर जमीन पर जमाओ, अपने औकात वालों के साथ दोस्ती करो। और एक बात ध्यान रहे, जो मुझे नुकसान पहुंचाता है मैं उसे माफ नहीं करता। जाने दो, छोड़ो। तुम्हें आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ये सिर्फ तुम्हारे लिए, समझी तुम? मुझे मेरी पत्नी पर भरोसा है क्योंकि वो मुझे धोखा नहीं देगी। वो डरती है कि क्या होगा। मैंने गलत कहा? हाँ है मेर। गुड। मुझे सब पता है। कुछ साल पहले तुम एक जोश भरी जिंदगी जीना चाहती थी और फिर एक गरीब लड़के को देखा और प्यार कर बैठी। तुम्हें वो जिंदगी बहुत पसंद आई और कुछ महीनों में सब नॉर्मल हो गया और फिर सब खत्म। मुझसे ऐसे चौंको मत, मुझे सब पता है। केमाल के साथ तुम्हारे अतीत की मुझे जरा भी चिंता नहीं है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो हथियार हूं जो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें इसे आजमाना है तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी। ये आंखें मेरा निशाना खुद ढूंढ लेती हैं। जिससे तुम प्यार करती हो वो मेरा दुश्मन है, समझी तुम? मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। सबसे पहले उसके परिवार को खत्म करूंगा और फिर उसे। तुम्हें पता है मैं ये कर सकता हूं। मैं समझ गई। गुड। तुम बताओ, अब और परिवार से तो नहीं मिलना है ना तुम्हें? समझ गई? हाँ। बहुत अच्छे, मेरी चालाक बीवी, बहुत समझदार हूँ।